हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि पटवारी भर्ती में जो घोटाला चल रहा है उसके बारे में आखिर क्या नया अपडेट देखने को मिलने वाली है, उसको लेकर आज हम आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा कि आपको बोनस अंक कितने मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको लगभग 5 अंक बोनस के मिलने को मिल सकते हैं। और दोस्तों, ये बोनस की संख्या 5 ही नहीं, इससे भी अधिक हो सकती है, क्योंकि अगर आपका नॉमिनेशन वापस का रिजल्ट अगर आ जाता है और सही से अगर हो जाता है तो आपके बोनस अंकों की संख्या बहुत अधिक हो सकती है। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपके जो एक कमेटी गठन की गई है उसके बाद आपका नॉमिनेशन के बाद आपका वापस रिजल्ट जारी किया जाएगा, तो इससे आपको बहुत ही फ़ायदा देखने को मिल सकता है। जो 34 शिफ्ट हुई थी उसमें बहुत से अभ्यर्थी के मन में बहुत सारे सवाल थे कि आखिर उनके इतने नंबर कम क्यों दिए गए। क्योंकि दोस्तों, अब जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि रेट के बाद अब पटवार भर्ती में नॉर्मलाइजेशन के नाम पर एक बड़ा खेल खेल रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है सभी शिफ्ट को एक समान करना, और ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। उल्टा जो 34 शिफ्ट थी उसमें सभी अभ्यर्थियों के लगभग अनुमान के मुताबिक 15 से 20 अंक को सभी को घाटा देखने को मिल रहा है, और ये बिल्कुल सही नहीं है। और इसी के साथ यदि काबिल अभ्यर्थियों को भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया है, क्योंकि ये दोस्तों बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये गलत किया गया है। दोस्तों, कुछ अभ्यर्थी तो ऐसे भी देखने को मिले थे जिसके पटवारी भर्ती में 225 या 230 अंक आ रहे थे, उनका भी सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हो पाया है, तो ये नॉमिनेशन के नाम पर एक बड़ा खेल खेले जा रहा है आपके साथ। दोस्तों, अब आप अपने स्क्रीन पर जैसा कि देख सकते हैं कि पहली शिफ्ट में लगभग 3684 बच्चे पास हुए, सेकंड शिफ्ट में 2957 बच्चे, तीसरी शिफ्ट में 2107 बच्चे, और चौथी शिफ्ट में 1275, मतलब कि लगभग 1275 बच्चे को ही पास किया गया है, और पहली शिफ्ट में लगभग 3 गुने, मतलब कि आप अंतर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि आपको बहुत बड़ा आपके साथ अन्याय किया गया है। और इस रिजल्ट को देखते हुए आपका रिजल्ट दोबारा जारी किया जाएगा, और ये आपके लिए दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं आपके प्रथम शिफ्ट में आपके सबसे ज़्यादा उनको बच्चों को पास किया गया है, और चौथी शिफ्ट में बहुत बड़ा आपको भेदभाव देखने को मिल रहा है, केवल इतने 1275 बच्चे को ही पास किया गया है, और इससे आपका रिजल्ट वापस आने की बहुत सारी संभावना है। दोस्तों, पटवार भर्ती के रिजल्ट को हाईकोर्ट में चुनौती, फैसला आने तक भर्ती को रोकने की बड़ी अपील है। बोर्ड पर अवैध तरीके से सिलेक्शन का आरोप लगाया गया है। दोस्तों, पटवार भर्ती परीक्षा 2021 के रिजल्ट को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। परीक्षा में धांधली और भारी अनियमितताओं के खिलाफ हाईकोर्ट में लगी याचिका पर इस सप्ताह दोस्तों सुनवाई होगी। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट राम प्रताप सैनी ने बताया कि रीट में कहा गया है कि कैंडिडेट ने 24 अक्टूबर को 2021 को पटवारी परीक्षा दी थी। परीक्षा में उसने 3 प्रश्नों के सही उत्तर दिए थे, लेकिन बोर्ड ने उन्हें गलत माना है, और साथ ही फाइनल आंसर की में भी गलत जारी की गई है। दोस्तों, जैसा कि उदाहरण आपके सामने है कि सभी के उसके सही प्रश्न 3 थे और उसके गलत कर दिए गए हैं। दोस्तों, आपका जो रिजल्ट है पटवारी भर्ती का आया था, उसका आपका रिजल्ट जो हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, याचिका में फैसले आने तक भर्ती प्रक्रिया पर रोक की गुहार लगाई गई है। दोस्तों, आपकी एक कमेटी बनाई गई है, मैंने आपको पिछले बार भी बताया था, वापस से बता रहा हूँ, कमेटी बनाई गई है जिसके आपका रिजल्ट वापस आ गया, और आपको बहुत सारा फ़ायदा देखने को मिलेगा। दोस्तों, मैंने आपको बताया कि आपको बोनस अंक लगभग 5 अंक मिल सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये संख्या अधिक भी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों कई अभ्यर्थियों के ज़्यादा सवाल सही थे और उन्हें गलत माना गया है, यानी कि दोस्तों आपके बहुत सारे अंक देखने को अधिक मिल सकते हैं, और 10 से 15 अंक या उससे भी अधिक देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, इस तरह की ताज़ा अपडेट हम आपके लिए लाते रहते हैं, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, केवल 5% लोगों ने ही सब्सक्राइब किया है, और 94% ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो दोस्तों, एक बार आपसे वापस से विनती है कि एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।